भाई कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? तुम लोगों का वेलकम बैक हो गया है अनदर व्लॉग के अंदर। तो अभी जैसे कि तुम लोग देख रहे होगे, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अभी स्कूल से निकला हूँ। तो यार आज ना मेरी मम्मा ने बोला एक जगह चलते हैं। यार बेसिकली मैं जा रहा हूँ अपने न्यू शूज लेने, क्योंकि ना मैं एक ब्रांड न्यू अपने मेरे उमर चाचू हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत एक्सपेंसिव बहुत फिट शूज भेजे थे। वो मैं स्कूल में पहनता था, फुटबॉल खेलता था, गंदे हो जाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो आज मैं इसलिए एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ से बहुत रिजनेबल शूज भी मिल जाते हैं और बेसिकली आप उनको हर जगह यूज कर सकते हो, फुटबॉल वगैरह। तो मैं उस जगह जाता हूँ और तुम लोगों को वहीं मिलता हूँ। तो आए आए आए, तो यार ये बाइक चेक करो। मैंने अपने बाबा को ये बाइक दिखाई तो उन्हें बोला कि पहले ओ लेवल्स कंप्लीट कर लो, ये बाइक तो मैं दिलाऊंगा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और यार सीट बहुत गर्म थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मोहम्मद के चैनल पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि अभी मोहम्मद शॉपिंग के लिए आ चुका है। ये बहुत सस्ता और बहुत रिजनेबल बाज़ार है, तो आप चाहें तो यहाँ से कोई भी सेकेंड हैंड शूज़ ले सकते हैं। ये चीज़ें जो है मोहम्मद को मैंने बताई हैं और दिखाई हैं, क्योंकि मोहम्मद न्यू शूज़ लेकर उनको फुटबॉल्स में यूज़ करता है और वो फिर ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत सस्ता बाज़ार है, यहाँ पर हर किस्म के छोटे बच्चों के कपड़े, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स वगैरह सब यहाँ से बहुत रिजनेबल मिल जाता है। तो मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग ज़रूर आए और यहाँ का विज़िट करें, ये बहुत अच्छा और सस्ता बाज़ार है। थैंक यू। हाँ तो गाइज़ अब मैं शॉप के अंदर इंटर हो चुका हूँ। ये चेक करो, यहाँ पे सारे रिजनेबल शूज़ वगैरह भी होते हैं। तो ये जगह फेज 7 में, तो ये सारे शूज़ वगैरह देख लो। और अच्छा ठीक है, इधर यार मेरी मम्मा मेरे लिए बैग्स वगैरह देख रही थी। ये चेक करो, यहाँ बैग्स भी हैं काफी। हाँ तो अगर तुम लोग एंटीक चीजों के लवर हो तो यार यहाँ पे चेक करो। ले सकते हैं यहाँ पे, देख लो हर तरह के स्टफ टॉयज भी, और ये सारे देख लो, गाड़ियाँ वगैरह और डॉल हाउसेस वगैरह। ये देखो, मैंने यार मुझे ऐसा यहाँ से कुछ नहीं मिला, तो कोई नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगाएंगे तो कुछ ले लेंगे। की लेके जा रहे हैं तू? मशीन ले जा रहे हैं। मैं 10 आई तू आगे लेके जा रहे हैं। ओए इधर खड़ा हो तू, मैं 15 करना, तू इधर आई ना। चलो तुम लोगों को कब गाड़ी में बैठ के मिलता हूँ। एक और शॉप पर है, यहाँ पे भी देखो सारे शूज वगैरह लगे हैं। यहाँ पे भी अभी मुझे कुछ समझ नहीं है, तो अभी और भी जाते हैं शॉप्स पर तो तुम लोगों को दिखाता हूँ सारा कुछ। हाँ तो गाइज यार यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे टी शर्ट्स भी बहुत फिट लगी हुई हैं। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, अगर उनके लिए लेना है तो शूज भी लगे हुए, टी शर्ट्स भी हैं, कितनी प्यारी प्यारी फिट। तो अगर आगे सर्दियाँ आ रही, किसी ने लेने वगैरह हैं तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। चेक करो यार, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला शूज लेने से, अभी कोई अच्छे शूज नहीं मिल रहे। चलो देखता हूँ, जब कुछ लेंगे तो तुम लोगों को दिखाता हूँ। सही है हेलो जी। तो यार अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, वहां पे मैं गया था तो इतना कुछ खास नहीं मिला, तो अभी मैं बाहर घर आ गया हूं। तो प्लान है वीकेंड को, एक सेकंड दरवाज़ा बंद कर लूँ। तो प्लान है कि वीकेंड को जाऊं इस्लामाबाद से शॉपिंग करके आऊं। तो वीकेंड का इंतज़ार करें फिर इस्लामाबाद के, तो मैं दोबारा एक रिजनेबल मार्केट पर लेके जाऊँगा। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, खाना वगैरह खा लूँ और सख्त भूख लगी। तुम्हें पता है स्कूल से जब बंदा है गर्मी से बहुत थक भी जाता है। और नहीं दो मिनट रुको यार, मिठू गए हैं, मिठू गए हैं, टैन टैन मिठू मिठ बैठे मिठू मिठ मिठू मिठू मिठू। हाँ तो यार तुमने सोच रहे हो कि मेरी
आज तबीयत डाउन और आवाज थोड़ी ये की हुई हुई है, क्योंकि यार तुम लोगों को पता है कि दो दिन से सुबह सुबह जल्दी उठ रहा हूँ और ठंडे पानी भी मैं बहुत पीता था, उसकी वजह से मेरा गला खराब हो चुका और मेरी आवाज़ बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे तुम लोग सुन रहे हो। यार अब मैं खाना वाना खा के तुम लोगों से मिलता हूँ। तो हाँ जी, तो यार देखो ये पहला शूज हमारे पास आता है फुटबॉल का, इसको मतलब नेमेसिस कहते हैं, ब्रांड न्यू ओरिजिनल शूज है मेरे पास नेमेसिस, ये आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नाइकी का, ये भी, ये मुझे छोटा हो गया यार काफी, ये भी बहुत फिट शूज होता था। तो ये देखो ना यार, ये शूज तो मैंने पड्डों के लिए रखा है, और चेक कर रहे हो उसकी स्टड्स, ये तो भाई बिल्कुल ऐसा है कि बस पड्डों में ले जाओ इनको और पुड़काओ। मजाक कर रहे हो यार, ये भी फुटबॉल का था। तो अब आते हैं जी, ये बड़ा लग्जरी शूज है मेरा एडिडास का, ये एडिडास का मेरे पास जॉगर है, चेक करो यार, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद एक प्रीमियर, एक प्रीमियम शूज भी है मेरे पास, ओह हो, चेक करो यार, पूमा का ओरिजिनल प्रीमियम शूज, ओ माय गॉड डैम, उसके बाद देखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं रिबॉक, उफ ओ माय गॉड दैट्स लुक डैम, चेक करो यार, चेक करो। अरे तुम लोगों की भाई अंग्रेजी, तुम लोगों की भाई की अंग्रेजी भी फिट है ना, या आई नो माय अंग्रेजी इज वेरी गुड। तो यार मेरे पास आ जाते हैं फिर लोकल वैंस, इनके तो थोड़ा बहुत मिट्टी लगा हुआ है, तो नेक्स्ट भी चलते हैं। ओ माय गॉड दैट लुक्स डैंग टू ब्रो, भाई ये चेक करो यार, ये मैंने आउटफिट ड्रेस से लिया था, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शूज, चेक इट आउट ब्रो, चेक इट आउट। हाँ जी, तो एक और आ जाते हैं फिर हमारे पास फुटबॉल के शूज, ये मेरे पास फुटबॉल की काफी कलेक्शन है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक और प्रीमियम शूज, चेक करो यार तुम लोग इसकी लुक देखो, ये बेसिकली बास्केटबॉल के लिए शूज, चेक करो यहाँ लिखा हुआ भी होगा अगर तुम लोग समझ रहे हो मैं झूठ वगैरह बोल रहा हूँ, ये चेक कर लेना स्टॉप करके से, नाइकी का ओरिजिनल है भाई बास्केटबॉल के लिए। फिर एक और आ जाता है हमारे पास फुटबॉल के शूज, भाई चेक करो, फिर चेक करो यार जी, एक और एक्स फुटबॉल के शूज आ गए हमारे पास, यार फिर चेक करो हमारे पास आती है केड़ी, यार पता नहीं शूज में काउंट होती है कि नहीं, पता नहीं आई डोंट नो, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिए। फिर आते हैं हमारे पास चौड़े, टैन 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 शू कलेक्शन, मेरे पास काफ़ी कम शूज़ हैं क्योंकि मुझे शूज़ का इतना शौक नहीं है, तो ये थी मेरी शू कलेक्शन, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और हाँ, इनमें से कोई एक प्रीमियम शूज़ में आगे वाले दिनों में मैं इनमें से एक प्रीमियम शूज़ गिव अवे करना चाह रहा हूँ भाई, तो तुम लोग बताओ यार कमेंट बॉक्स में कौन सा गिव अवे करना चाहिए, करूँगा तो अपनी मर्जी से भी, फिर अगर किसी की सजेशन अच्छी लग गई तो फिर भाई देंगे ना गिव अवे करेंगे ना भाई, इन सब कलेक्शन में से हम लोग को एक गिव अवे करेंगे। हाँ जी, तो कैसी लगी फिर मेरी शू कलेक्शन, हाँ जी आए कैसी लगी यार बताओ। और जैसे कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि इनमें से एक शू हमने करना है गिव अवे, कोई फजूल से नहीं करूँगा, कोई प्रीमियम स्टाइल शूज गिव अवे करूँगा, टेंशन ना लो यार, कम से कम चलो सब्सक्राइबर लाइक वगैरह छोड़ो, कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ, कोई ना कोई इसमें से शू गिव अवे करेंगे। तो यार अभी मेरे बाबा का प्लान बना फुटबॉल खेलते हैं ऊपर, क्योंकि मेरा काफ़ी दिल चाह, तो मैंने उनसे बात मनवा ली, रिक्वेस्ट की, तो कहते हैं चलो सही है, अभी थोड़ी शाम हो जाए तो फिर हम लोग खेलेंगे फुटबॉल। तो यार अभी मैं आगे अपनी छत पर, मैं थोड़ी देर अपने बाबा के साथ फुटबॉल वगैरह खेलूँ, फिर तुम लोगों से मिलता हूँ। बूम,
अभी मैं आ गया था नीचे, मैंने रेस्ट वगैरह किया, तो अब टाइम हो गया है नमाज का। वो देखो मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है, तो अब यार हम लोग पढ़ते हैं मगरिब की नमाज, तो मैं फिर तुम लोगों को नमाज के बाद में अंडी। तो यार मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अभी ना मैंने अपने बाबा से एक ज़रूरी बात करनी है कि मुझे ना गाड़ी की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा दें। तो यार आओ मेरे साथ चलते हैं बाबा से बात करने। अभी बाबा रूम में बैठे हैं, मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। आओ चलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा टाइम का सलाम है भाई, कह रही है जी? वैसे ही बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कौन फरमाए? आपने कहा था ना कि मैं आपका फ्रेंड हूँ तो हर बात शेयर कर सकता हूँ। यार बस एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी, अगर आप वो बात मान जाए मेरी। की रिक्वेस्ट ना हो, बाकी सब खैर है, ये मैं बता दूँ। यार बाबा प्लीज थोड़ी सी अगर मॉडिफिकेशन हो जाए कार पर। मॉडिफिकेशन क्या करानी है गाड़ी? आप अंडर एज हो, आप तो चलाते ही नहीं। मैं मॉडिफाई गाड़ी चला के क्या करूँगा? लोग कहेंगे ये बूढ़ा आदमी मॉडिफाई कार चला रहा है, अच्छा लगूंगा मैं? अभी वैसे भी आगे संडे को हैदर शामिल व्लॉग्स कार मीटअप रख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ले जाएंगे ना, अभी अच्छा लगेगा, मेरा बहुत शौक है। बेटा हैदर शामिल अभी थोड़े बड़े हैं आपसे ना, आप तो छोटे हो अभी। दूसरा वो ड्राइव करता है, आप ड्राइव तो नहीं करते, आपको अंडर एज, आपने सोसाइटी में चलानी है। फिर भी अगर आप चला लीजिए बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन, जैसे बॉडी किट और साइलेंसर और स्पॉइलर, बस और ज़्यादा नहीं। कोई काम करने वाला तो नहीं है अभी से, आपकी एज भी नहीं है ना ये काम आप अच्छे लगोगे करते हुए। या तो आप 18 प्लस हो, आपकी पर्सनल कार हो, तो फिर तो मैं आपको इजाज़त दे दूँ, करवा दी दूँ। आप खुद बताओ ना, मैं गाड़ी मैं चलानी है मैंने, ठीक है? अब मैंने जाने हैं आगे पीछे, अपने काम से जाने हैं, मीटिंग्स में जाने हैं, क्लाइंट से मिलना है, तो मैं अब अपनी गाड़ी मॉडिफाई करा के अच्छा लगूँगा चला कर। अच्छा ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आदमी अच्छा लगेगा ये बताओ, आप खुद बताओ। आप बूढ़े तो नहीं है वैसे, एक बाल आपका सफेद देखे, ये तो गलत बात कर दी है। बाल सफेद की बात नहीं, लेकिन अभी इतनी जल्दी ये सारी चीजें अच्छी कोई लगती है? अच्छा चलिए थोड़ा बहुत कुछ करा दें, क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है, उसको शौक है, वो देखता है गाड़ियां, आपको मालूम है कि गाड़ियों का कितना शौक होता है। अच्छा कम से कम प्लीज एग्जॉस्ट या स्पॉइलर ये थोड़ा बहुत तो करवा देना। इतने प्यार से उसने आज आपको आके सलाम किया है, स्पॉइलर लगवा लो जी, एग्जॉस्ट ना लगवा, एग्जॉस्ट शॉक करता है। बाबा थोड़े दिनों की बात है ना सिर्फ। लोग जो है ना गालियाँ निकालते हैं, पता है इतना शोर होगा उसका। आप एक काम करो, आप एग्जॉस्ट की जगह स्पॉइलर लगवा। नहीं ना, अच्छा ना। स्पॉइलर आप पता करो, अशरफ अंकल को फोन करो, बोलो हमें ब्लैक सिविक का स्पॉइलर चाहिए, वो घर भेज देते हैं, वो लगवा दो। पापा यार प्लीज, अच्छा बस सिर्फ प्लीज रिक्वेस्ट है, सिर्फ स्पॉइलर और एग्जॉस्ट लगा दें बस, प्लीज ना बाबा प्लीज ना। एग्जॉस्ट शोर करता है, बुरा लगेगा बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप गाड़ी चला रहे होगे ना, आप अच्छा लगेगा, आपके सूट करेगा, देखने वाला कहेगा यार ये बच्चा है, इसका शौक है। लोग मुझे देख के कहेंगे यार ये इतना बड़ा आदमी, इसने एग्जॉस्ट लगाया, खुद सोचो ना। अच्छा ना बाबा बस करें ना प्लीज ना। मैं स्पॉइलर वाला कर दूंगा और ये एग्जॉस्ट वाला मैं अभी वादा नहीं करता हूँ, ठीक है? बाकी और भी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करानी हुई तो मुझे बताना, मैं करवा दूंगा। चलो स्पॉइलर का तो फिलहाल डन है ना, स्पॉइलर डन है, स्पॉइलर। अच्छा प्लीज आप एक बार सोच के तो देखिएगा, थोड़े दिन की बात, अब मैं भी बड़ा हो रहा हूं, मेरा शौक है ना बाबा। मुझे सोच के ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं अगर गाड़ी यहाँ से सोसाइटी से लेके निकलूंगा, गाड़ी शोर करेगी बड़ाम बड़ाम बड़ाम, लोग क्या बोलेंगे यार इतना बड़ा आदमी गाड़ी में स्पॉइलर का वो लगा लिया इसने, खुद देखो ना, बताओ ना कि अच्छा लगे कि मैं सर सोसाइटी में जाऊंगा। चलो कोई नहीं मोहम्मद, अभी मान जाओ, अभी जो बाबा कहा कि वो सुना, स्पॉइलर लगवा दो। स्पॉइलर के अलावा और कोई चीज छोटी मोटी होने वाली है गाड़ी में करवाना चाहते हो करवा लो, मेरी तरफ से इजाजत है। चले आप एक बार फिर भी सोच लीजिएगा, अभी तो थैंक यू, आप स्पॉइलर के लिए मान गए। अभी जो काम डिसेंट वे में हो सकते हैं, जिससे डिसेंट लगे गाड़ी, अच्छी लगे, क्योंकि अभी हो सकता है थोड़े दिनों के बाद मैं गाड़ी चेंज कर लूंगा। अच्छा चले एक बार फिर भी सोच लीजिएगा, बाकी स्पॉइलर के लिए थैंक यू। ठीक है, वेलकम। हाँ तो यार जैसे कि तुम लोगों ने देखे अभी बाबा सिर्फ स्पॉइलर के लिए मान गए हैं, तो यार तुम लोग थोड़ी देर अगर और रुक जाओ ना, तो मैं बात करता हूँ बाबा से, कहता हूँ कि यार व्लॉग बंद करके ना ज़रा सीरियस, फुल सीरियस ना, फुल पीछे पड़ जाऊँगा थोड़ी देर के लिए, तो उनको सुन ना लें यार, तो फुल रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मैं एग्जॉस्ट का भी मनाता हूँ पापा को यार। चलो
हाय मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, अभी तो टेंशन हो रही है क्योंकि एग्जॉस्ट का मैंने कहीं से स्पॉइलर के मान गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि पापा ने क्या सोचा है, मानते हैं या नहीं।